ओम शांति। आज है 20/2/20 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम खुदाई खिदमतकार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? उत्तर है, उन्हें बोलो, बाप कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं है तब शांति है। सतयुग में पवित्रता सुख शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं, तुम बाप को याद करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर आत्मा है। जीव आत्मा कहते हैं ना, पहले हम आत्मा है, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं, देखा नहीं है, वैसे परमपिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं है। ना अपने को ना बाप को देखा है। कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। 84 लाख योनियां भी कह देते हैं, वास्तव में 84 जन्म हैं, परंतु ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं। आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना देखा है ना यथार्थ रीति जानती है। पहले तो आत्मा को यथार्थ रीति जानते, तब बाप को जानते। अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन? इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। सो बाप बिगर तो कोई करा न सके। आत्मा क्या है, कैसी है, कहां से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये कोई भी नहीं जानते। अपने को नहीं जानते तो बाप को भी नहीं जानते। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य का मर्तबा है ना? इन्होंने ये मर्तबा कैसे पाया, ये कोई भी नहीं जानते। जानना तो मनुष्य को ही चाहिए ना? कहते हैं ये वैकुंठ के मालिक थे, परंतु उन्होंने ये मालिक बना लिया कैसे, फिर कहाँ गए, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम तो सब कुछ जानते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। जैसे बच्चा पहले जानता है क्या कि बैरिस्टर क्या होता, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है, तो ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। बैरिस्टरी डॉक्टरी आदि सबकी किताब होते हैं ना, इनका किताब फिर है गीता। वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, ये कोई नहीं जानते। उसमें नाम बदल दिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं, वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था ना, परंतु स्वर्ग को भी जानते नहीं।
नहीं तो क्यों कहते कि कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते, कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। ये किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है, अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अब सोचरा करने वाला कौन? वह है बाप। ज्ञान को दिन, भक्ति को रात कहा जाता है। अभी तुम समझते हो ये भक्ति मार्ग भी जन्म जन्मांतर चलता आया है, सीढ़ी उतरते आए हैं, कला कम होती जाती है, मकान नया बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। तीन चौथाई पुराना हुआ तो उनको पुराना ही कहेंगे। बच्चों को पहले तो ये निश्चय चाहिए कि सर्व का बाप है, जो ही सर्व को सदगति करते हैं, सर्व के लिए पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम ले जाते हैं। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तुम ये पढ़ाई पढ़कर जाए अपनी गद्दी पर बैठेंगे, बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। चक्र पर जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में ये अनेक धर्म है नहीं। उस समय वे आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये तो तुम जानते हो कि ये आकाश पोलार है, वायु को वायु कहेंगे, आकाश को आकाश। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा हैं। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है, आकाश में भी भगवान है। अब बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बन पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे, फिर तुम आएंगे पाठ बजाने। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे, अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो, फिर पहले आएंगे। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, नहीं तो इतने सबको पढ़ाए कौन? बाप का जरूर मददगार बनेंगे ना, खुदाई खिदमतगार भी नाम है ना, अंग्रेजी में कहते हैं सेल्वेशन आर्मी। कौन सी सेल्वेशन चाहिए? सब कहते हैं शांति की सेल्वेशन चाहिए। बाकी वह कोई शांति की सेल्वेशन थोड़ी देते हैं। जो शांति की सेल्वेशन मांगते हैं उन्हें बोलो, बाप कहते हैं क्या अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए? ये कोई शांति धाम थोड़ी है, शांति तो शांति धाम में ही हो सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को शरीर नहीं है तो शांति में है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में अगर हम खड़े होकर सबको सुने तो बहुतों की भूल निकालें, क्योंकि समझाने वाले नंबरवार तो है ना। सब एक रस होते तो ब्राह्मणी ऐसे क्यों लिखती कि फलाने आकर भाषण करें? अरे
तुम भी ब्राह्मण हो ना? बाबा फलाने हमारे में होशियार है, होशियारी से ही मनुष्य दर्जा पाते हैं ना, नंबरवार तो है ना। जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आपे ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। बाप कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो, देहधारी से लागत नहीं रखो, ये तो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है ना, पांच तत्वों की थोड़ी पूजा करनी है व याद करना है। भल इन आँखों से देखो परंतु याद बाप को करना है। आत्मा को अब नॉलेज मिली है, अब हमको घर जाना है, फिर वैकुंठ में आएंगे। आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे ये भी समझ सकते हैं। हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव, मध्याजी भव, माना बाप्यो और विष्णुपुरी को याद करो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। बच्चे जानते हैं हमको अभी स्वर्ग में जाना है, बाकी सबको मुक्ति में जाना है। सब तो सतयुग में आ नहीं सकते, तुम्हारा है डिटिजिज्म। ये हो गया मनुष्य का धर्म। मूल वतन में तो मनुष्य नहीं है ना, यहाँ है मनुष्य सृष्टि। मनुष्य ही तमो प्रधान और फिर सतो प्रधान बनते हैं। तुम पहले शूद्र वर्ण में थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में हो। ये वर्ण सिर्फ भारतवासियों के हैं, और कोई भी धर्म को ऐसे नहीं कहेंगे ब्राह्मण वंशी सूर्य वंशी। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं, जर्जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। तुम पुराने बने तो सारा झाड़ जर्जड़ी भूत तमो प्रधान बना है, फिर सारा झाड़ थोड़ी सतो प्रधान बन जाएगा। सतो प्रधान नए झाड़ में तो सिर्फ देवी देवता धर्म वाले ही हैं। फिर तुम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हो, पुण्य जन्म तो लेते हो ना, फिर वैश्य शूद्रवंशी, ये सब बातें हैं नहीं। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, वही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं तुमको ज्ञान मैं देता हूँ, तुम देवी देवता बन जाते हो, फिर ये ज्ञान रहता नहीं। ज्ञान दिया जाता है अज्ञानियों को, सभी मनुष्य अज्ञान अंधियारे में हैं, तुम हो सोझरे में। इनके 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो, तुम बच्चों को सारा ज्ञान है। मनुष्य तो कहते भगवान ने ये सृष्टि रची ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? अरे ये तो बना बनाया खेल है, अनादि ड्रामा है ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है, इसमें चिंता करने की दरकार ही क्या? आत्मा ने जाकर अपना दूसरा पाठ बजाया, रोए तब जब वापस चीज मिलनी हो, वापस तो आती नहीं, फिर रोने से क्या फायदा? अभी तुम सबको मोहजीत बनना है, कब्रिस्तान से मोह क्या रखना है, इसमें तो दुख ही दुख है। आज बच्चा है कल बच्चा ही ऐसा बन जाता जो बाप की पाग उतारने में भी देरी ना करे, बाप से भी लड़ पड़ते हैं।
इसको कहा ही जाता है निधन की दुनिया। कोई धनी धोनी है नहीं जो शिक्षा दे। बाप जब ऐसी हालत देखते हैं तो धड़का बनाने आते हैं। बाप ही आकर सबको धड़का बनाते हैं। धनी आकर सब झगड़े मिटा देते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं। सारी दुनिया के झगड़े मिटा देते फिर जय जयकार हो जाती है। यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। दासी भी इनको समझते हैं। हथियाला बांधते समय कहते हैं तुम्हारा पति ही ईश्वर गुरु आदि सब कुछ है। पहले मिस्टर फिर मिसेज। अब बाप आकर माताओं को आगे रखते हैं। तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला रहे हैं। मोहजीत राजा की एक कथा है। वह सब बनाई हुई कहानियां हैं। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती ही नहीं। समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। साक्षात्कार होता है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है फिर नया लेना है। छोटा बच्चा जाकर बनना है। खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो भल कितने भी बूढ़े होंगे रोगी होंगे और समझेंगे भी कि कहाँ ये शरीर छूट जाए तो अच्छा है। फिर भी मरने के समय रोएंगे जरूर। बाप कहते हैं अभी तुम ऐसी जगह चलते हो जहाँ रोने का नाम नहीं। वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तुमको कितनी अपार बेहद की खुशी रहनी चाहिए। अरे हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारत सारे विश्व का मालिक था। अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तुम ही पूज्य देवता थे फिर पुजारी बनते हो। भगवान थोड़े ही आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनेंगे। अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनाए। ड्रामा में बाप का पाठ ही अलग है। ज्ञान का सागर एक है। उस एक की ही महिमा है। जबकि ज्ञान का सागर है तो कब आकर ज्ञान देवे जो सदगति हो। जरूर यहाँ आना पड़े। पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। त्रिमूर्ति गोला और झाड़ ये है मुख्य चित्र। झाड़ को देखने से झट समझ जाएंगे हम तो फलाने धर्म के हैं। हम सतयुग में आ नहीं सकते। ये चक्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। लिखत भी पूरी हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म यानी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश फिर विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते हैं। ये सिद्ध हो जाए। ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा दोनों का कनेक्शन है ना। ब्रह्मा सरस्वती सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। चढ़ती कला एक जन्म में होती है फिर उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। अब बाप कहते हैं वह शास्त्र आदि राइट है व मैं राइट हूँ। सच्ची सत्य नारायण की कथा तो मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको निश्चय है कि सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। पहली मुख्य ये भी एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जाता। गुरु को कभी बाबा व टीचर कहेंगे क्या। यहाँ तो शिव बाबा के पास जन्म लेते हो फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं।
फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप, टीचर, गुरु कहा जाए। ये तो एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे। सब याद फिर भी उनको करते हैं, वह बाप तो है ही। दुख में सब उनको याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करते। तो वे बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पांच तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत लगाव नहीं रखना है, कोई विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का अनादि पार्ट है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है, मोहजीत बनना है। आज का वरदान है, बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त रहने वाले बाप पसंद सच्चे सौदागर भव। बाप दादा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं। कहा जाता है भोलों का भगवान, चतुर सुजान को भोले बच्चे ही पसंद है। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे ही विशेष वीआईपी हैं। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, वही बाप से सौदा करके परमात्म नयनों के सितारे बन गए। भोले बच्चे ही दिल से कहते मेरा बाबा। इसी एक सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। आज का स्लोगन है, सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलो। ओम शांति।